हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा अडोब फोटोशॉप 2020 की सीरीज का लेक्चर नंबर है 17, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने नेम तो पढ़ लिया होगा वीडियो का, मतलब कि हम पढ़ने जा रहे हैं शेप्स, वेक्टर शेप्स, ठीक है, जो कि हमें अडोब फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। पहले तो मैंने ये पाथ में काफ़ी हद तक समझाई थी, लेकिन अभी आपको मे भी आपको आती भी हो, लेकिन जिसे नहीं आती वो ये लेक्चर ले सकता है, इजीली ले सकता है। ओके गाइस, और उम्मीद है जिसे जो सा इसमें कमी होगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में क्या करता है। तो गाइस, सिंपल इसने वीडियो में क्या किया, एक टेक्स्ट लिया हुआ था जिसमें उसने ये एक वेक्टर शेप बना दी, तो मैंने ये एक वेक्टर शेप बनाई है। ठीक है गाइस, ये अब इसका कलर कैसे आया, क्योंकि कलर मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, ये इसका कलर आ गया। और सेकंड बात ये कि ये खुद ही न्यू लेयर पे आ गई है वेक्टर शेप। ओके गाइस, और ये इसका पैनल खुद ही मेरे पास आ गया, सामने आ गया मेरे। अभी हम इसके पैनल में देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि हम और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये विड्थ है, मैं इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ से जस्ट ड्रैग करके ये मैं ड्रैग कर लूँगा गाइस, ये मैंने विड्थ कम कर दी। और ये हाइट है इसकी, ठीक है गाइस, ये हम हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। और गाइस सेकंड बात ये है कि ये जो सा अंदर आपको पिन नज़र आ रही है ना, ये अटैचमेंट होती है गाइस, अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे ना देन इसकी हाइट भी ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि मैंने अटैचमेंट कर दी है इसके साथ। अभी मैं इसके अनअटैच ही करता हूँ और ये हो गया। ठीक है गाइस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने देख लिया कि इसका साइज कैसे बड़ा करते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज में से। सेकंड है इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उम्मीद है जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा कि वाई एक्सिस क्या होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रैग करूँगा तो वो एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, और अगर मैं वाई एक्सिस करूँगा तो ये ऊपर नीचे होगा। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट है कलर। ठीक है गाइस, यहाँ से अब हम कलर भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने ये वाला कलर लेना, जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये कलर आ जाएगा। मैंने ब्लैक लेना है, वाइट लेना है, पिंक लेना है, इसी हम कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। और गाइस सेकंड बात यह है कि हम कलर यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, हमारे पास ड्रॉपर आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉपर आ जाएगा, ड्रॉपर से हम कोई भी कलर ले सकते हैं आपको पता। और सेकंड हमारे पास ये सॉलिड कलर पैनल आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से इजीली कलर ले सकते हैं, अगर हमें ये यूज़ करना हमने हम यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। जस्ट कलर सारे वही हैं, लेकिन वो होता है ना कि नज़र सेट हुई होती है कलर्स के ऊपर, दैन आपको ये पैनल अच्छा लगता है, तो मैंने ये पैनल से कर दिया, ये कलर आ गया। ठीक है गाइस, सेकंड जो बात है वो आई ये गाइस, ये क्या है, ये आउटलाइन है। ठीक है, उम्मीद है आपको आउटलाइन का पता होगा, स्ट्रोक्स वगैरह का। तो मैंने आउटलाइन सेलेक्ट की और यहाँ से मैंने ये रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। गाइस मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया, ओनली मैंने क्लिक किया, अभी आपको मे भी कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन गाइस जब हम करेंगे स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, ठीक है गाइस, यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक अगर ज़्यादा करूँ, गाइस ये मैंने ज़्यादा किया, स्ट्रोक वो आ गया। तो गाइस यहाँ से हम स्ट्रोक, इसकी आउटलाइन जो होती है हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके गाइस, और सेकंड हम इसका कलर रिमूव भी कर सकते हैं, इसका कलर रिमूव हो गया, जस्ट आउटलाइन हमें शो हो रही है, लेकिन हमें रिमूव नहीं करना, अगर हमने आउटलाइन ख़त्म करनी है देन हम इसे प्रेस कर देंगे, गाइस ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट आउटलाइन की हमने शेप कैसे देनी है, ये भी मैंने आपको पाथ में समझाया था सारा, और उम्मीद है आपने पाथ वाली वीडियो लेक्चर मेरा लिया होगा, उम्मीद है। अगर आपने नई लेक्चर नहीं सुना तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप ऊपर देख सकते हो, वो लेक्चर ले लो, आप उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक आ जाएगी ये चीज़ें जिन्हें मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और गाइस नेक्स्ट आके ये इसका भी मैंने आपको बताया था, ये कॉर्नर्स को फिट करता है, आप देख लो कॉर्नर्स इसके, ये फुली आउटलाइन आउट हो गई है। ठीक है, बॉक्स की दूसरी तरफ है, ये इनर साइड आ गई है और आउटर साइड। सेकंड ये है कि इनके जो से कॉर्नर्स होते हैं आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है गाइस, एंड थर्ड वन दिस वन आप इसे इग्नोर कर सकते हो। और गाइस ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं गाइस, ये कॉर्नर्स होते हैं इनके। ठीक है, हम कॉर्नर्स को किसी भी तरह मूव करवा सकते हैं। और गाइस यहाँ से एक और मज़े की चीज़ ये है कि मैं इसे फुली स्ट्रेट करता हूँ और ये जो सी पिन लगी है ना आप इसे रिमूव कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, जस्ट ये वाला कॉर्नर भी कॉर्नर, इसका आप कॉर्नर गैप कर सकते हो और इसका भी कॉर्नर गैप कर सकते हो, लाइक दिस, ये देखें जस्ट वही मूव हो रहा है जिसे मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसे करता हूँ और गाइस ये देखो एक न्यू शेप बन गई। आप ऐसे कोई भी शेप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करने वाले हैं ये चीज़ें समझने वाले हैं। और अगर तो आपको कोरल ड्रॉ वगैरह आते हैं, कोरल ड्रॉ आता है तो मे भी आपको ये अच्छी तरह आता हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, और सेकंड ये है इसका भी
इंटरसेक्ट करना एंड एक्सक्लूड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जो यूज़ कर रहे हैं कंबाइंड शेप्स। कंबाइंड शेप्स के बाद क्या है गाइस, ये शेप बनी हुई है, मैंने शेप होल्ड किया, शेप होल्ड करना है और एक और मैं शेप बना देता हूँ यहाँ। ये मैंने एक और शेप बना दी गाइस, ये क्या हुआ कंबाइन हो गया, क्योंकि यहाँ कंबाइन हमने सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए ये कंबाइन हो गई है। ठीक है ना, ये आउटलाइन एक ही बनी आ रही है। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम, मैं एक और शेप ऐसे आपको बना के दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये भी कंबाइन हो जाएगी उसी शेप के साथ। ठीक है, जैसे कि हम अक्सर सिलेक्शन लेते हैं और शिफ्ट यूज़ करके प्लस वाले सिलेक्शन लेते हैं ना, तब ये ऐड हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा गाइस, इसमें वैसे तो काफ़ी हद तक आपको बताया हुआ, लेकिन हम यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस ये भी ये सेम ही है। ठीक है, मैंने अभी इसे सिलेक्ट क्यों किया नहीं गाइस, ये क्या था क्या ना, अगेन वही चीज़ आ रही है ये। और गाइस जैसे हमने ये वाले काम किए, एडिंग वाले काम हमने किए प्लस से, और ये माइनस यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपको अगर आपने आई थिंक क्लास ली होगी आपने, इसमें ये वाली क्लास सिलेक्शन वाली क्लास अगर आपने ली है तो आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी कि प्लस और माइनस से हम क्या करते हैं। प्लस से हम ऐड करते हैं लाइक दिस, अगर मैंने ऐड करना तो मैं शिफ्ट होल्ड करके एक शेप बना तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर हमने रिमूव करना है हम इसी शेप को रिमूव कर देंगे इसी जगह से और आउटलाइन यहाँ यहाँ आ जाएगी पहले शेप के अंदर ही। सेकंड ये ऑप्शन है हमारे पास गाइस, अभी ये मैंने एक यूज़ किया, इसके साथ ये यूज़ करता हूँ मैं और यहाँ ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो गाइस ये क्या होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही गाइस तो एक मिनट ठहरे आप, मैं एक न्यू शेप बनाता हूँ। अभी मैंने एक शेप ये बनाई है। ठीक है गाइस, और मैं एक ये बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये मैंने दो शेप्स बनाई है इजीली। अब गाइस जब ये मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा ना, ये जो सा अंदर वाला हिस्सा ना, जस्ट यही हमें शो होगा, ये वाले शो नहीं होंगे लाइक दिस। ओके गाइस, और अभी नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है। अब ये वाले ऑप्शन भी आपको काफ़ी हद तक नज़र आ रहा होगा कि जस्ट यही हिस्सा हमारे पास गायब हो जाएगा और लेकिन ये आसपास वाला हिस्सा हमें नज़र आता रहेगा। ठीक है गाइस, ये होगी मर्जिंग वगैरह, ये हम मर्जिंग ही से कह सकते हैं। ठीक है ना, दो शेप्स को मर्ज करना, देन उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना, कंबाइन करना, ये आप इसे काफ़ी हद तक आप इसे यूज़ करोगे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हम क्या करने लगे थे, अब मैं इसे इसी लेयर को डल करता हूँ और मैं एक और बनाता हूँ। आई थिंक मैं इसे ऐसे डिलीट कर देता हूँ। नो भैया हो जाओ। अच्छा ये मैंने वो मतलब कि ये बात नहीं मानेगा। ओके गाइस हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं एक और शेप बनाता हूँ यहाँ गाइस। अभी अगर मैंने इसका कलर चेंज करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको यहाँ से समझाया, लेकिन सेकंड ये भी है, आप इसके ऊपर भी डबल क्लिक करोगे ना तो आपके पास कलर आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। अभी ये वेक्टर शेप्स हैं, वेक्टर शेप्स क्या होते हैं गाइस, मैं आपको फिर एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसकी डिफाइन कर देता हूँ। वेक्टर शेप्स होती हैं कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा जूम भी कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब मैं इसे ये साइज का मैंने छोटा कर दिया ना, और अभी मैं अगर इसे अगेन लार्ज भी कर दूंगा ना तो इसका बिल्कुल पिक्सल वही देंगे जैसे पहले थे। लाइक अगर आप यहाँ एक पिक्सल्स वाली चीज़ अगर आप लेके आओ, लाइक एक इमेज लेके आओ, जब उसे आप काफ़ी संभाल कर देते हो ना, देन आप उसे अगेन बिग करते हो, उसका साइज काफ़ी बड़ा करते हो, देन वो खराब हो जाती है तब। ठीक है गाइस, ये वेक्टर शेप होती है, खराब नहीं होती, वो रास्टर्स होती हैं। अच्छा गाइस, मैं इसे डल करता हूँ और नेक्स्ट हमारे पास शेप है, ये कॉर्नर वाली भी सेम सेम ही है। ठीक है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है, हम पॉलीगॉन यूज़ करते हैं गाइस। पॉलीगॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वैसे ही यूज़ करके दिखा देता हूँ। रे पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है ठीक है, जिसकी साइड्स हैं 10 साइड्स हैं। ठीक है, आप काउंटिंग कर लें 10 साइड्स। अब गाइस अगर हमें 10, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, इसकी प्रॉपर्टीज वो नहीं है जो हमारे पास थी, जो दूसरी इमेजेस से आती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। और सेकंड गाइस, अगर आपको इसके मेन चीज़ यही होती है कि इसके कॉर्नर्स अगर आपको कम चाहिए हो तो वो कैसे करेंगे, इसकी साइड्स ये कम चाहिए हो तो कैसे करेंगे गाइस। मैंने ये एक और बनाया पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड्स हैं, लेकिन हमें 5 चाहिए गाइस। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है छोटी सी प्रॉपर्टी बॉक्स, इसमें आप 5 कर सकते हो। मैंने यहाँ ये 5 कर दिया, अभी अगर मैं यहाँ एक शेप बनाता तो गाइस ये 5। ओके, और अगर मैं इससे भी और ज़्यादा कर दूँ तो ये देखो शेप्स कितनी ज़्यादा साइड्स बन गई हैं, और मैं 2 3 करता तो ये 3 ट्राइंगल बन जाएगी। ओके गाइस, और
आपको तो पता ही है इसकी आउटलाइन कैसी आनी है गाइस। ये आउटलाइन वाली शेप है, यहाँ से आप आउटलाइन कर सकते हो लाइक दिस, और यहाँ से आप इसका साइज दे सकते हो आउटलाइन का। ओके गाइस, अभी जो काफी हद तक मेन चीज है हम उसे पढ़ते हैं, वो है गाइस एक लाइन। गाइस लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका वेट 1 कर देता हूँ। गाइस आपने जब ये लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आपका लाइन का वेट होगा 10 और 1 होगा 1 पिक्सल। सॉरी गाइस, अगर 1 पिक्सल होगा तो गाइस आपको नजर नहीं आएगी ये लाइन, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ये लाइन तो हो गई है, लेकिन आपने यहाँ से इसका वेट ज़्यादा करना है एंड 12 तक कम रखते हो, ताकि आपको नज़र तो आए लाइन, और इसमें जो सा कलर है वो तो आपको नज़र आए। गाइस ये आ गया, ठीक है, आपको नज़र ये लाइन बनी हुई है, आप इसे देख भी सकते हो, ये रही लाइन, ठीक हो गया गाइस। अब इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं लाइन के साथ, 1 मिनट का मैं इसे वहीं रख दूँ जहाँ ये था। अच्छा गाइज, अभी इसी लाइन के साथ आप क्या क्या कर सकते हो गाइज। सबसे औसम चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइन है एक, इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड। अच्छा गाइज ये एक लाइन है। अब गाइज अक्सर आपने देखा होगा इमेजेस में लाइटिंग वाली तलवारें यूज होती हैं, और भी मतलब ऐसी लाइटिंग जो ग्लो कर रही हो, हम इसे ग्लो करते हैं गाइस। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट इसे यहाँ से राइट क्लिक करके इसे करता हूँ गाइस कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। ये मैंने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, अभी गाइस हम क्या करते हैं इसे आउटर ग्लो दे देते हैं, और यही से हमने आउटर ग्लो दे दिया, साइज ज़्यादा कर देते हैं और रेंज नाइस कम करते हैं, और गाइस कलर भी थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। ये तो कलर इसका ही हो गया ना, अभी इसे हम ये करते हैं और इसे इनर भी शेडो दे देते हैं, इनर शेडो देते हैं गाइस इसे, ये दे दिया इनर शेडो। ओके गाइस, और इनर शेडो को रहने देते हैं, इनर ग्लो यूज करते हैं, इनर ग्लो, ये इनर ग्लो हो गया गाइस, और नॉर्मल एंड लाइट। ओके गाइस, तो आप इसे देख सकते हो गाइस, ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी एक चीज़ बन गई है गाइस। आप इसे यूज़ कर सकते हो आप अपनी एडिटिंग वाली इमेजेस में, ठीक है। लाइक आप इसका एक फ्रेम बना सकते हो, आप इसे हैंड में पकड़ सकते हो, ऐसी काफ़ी चीज़ें आप अगर आप ब्रेन यूज़ करो तो काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है गाइस। क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसी इमेजेस बना लेता हूँ, और जब भी हम पोस्ट करते हैं तो अक्सर जिन्हें एडिटिंग नहीं आती वो तो यही सोचते हैं कि ये कोई मूवी का सीन था जो इसने कर लिया, ठीक है गाइस। जैसे आप इसे एक फ्रेम भी बना, इसका एक फ्रेम बना सकते हो इसलिए। लाइक मैं इसे पहले डल कर दूँ जो कि मुझे थोड़े प्रॉब्लम दे रहा है, और अभी क्या ये मूव भी होगा कि नहीं, ये आ गया, इसे ऑल्ट प्रेस करके, और गाइस ये एक फ्रेम बन गया। ओके गाइस, आप इसके अंदर अपनी इमेज लगा सकते हो, एडिट से आप कुछ भी कर सकते हो गाइस। ओके, मैंने आपको दिखाना था, ये क्लास में था तो नहीं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिखाया कि आप इसका एक काफ़ी अच्छी इसकी आप बना सकते हो, तलवार वगैरह बना सकते हो, या किसी भी चीज़ में अगर आपने यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। सेकंड हम इसे डेल करते हैं गाइस, और अब इससे भी अच्छी चीज़ें हम देखते हैं गाइस। ये तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। अब कस्टम वालों में जाते हैं, ये अभी कस्टम ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अगर तो आपका 2020 है, ठीक है ना, यहाँ आपके कस्टम आ रहे होंगे, और अगर आपका 2020 नहीं है, यहाँ जस्ट थोड़े से आ रहे होंगे, ठीक है ना, और आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट यहाँ क्लिक करके यहाँ आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हमारे तो ये आ रहे हैं 2020 वालों के। गाइस सबसे पहले ये लीफ वाला है हम एक बनाते हैं,
काफी अच्छा सा ट्री दिस। इसे हम ग्रीन करने की कोशिश करते हैं, अगर हम पे अच्छा हो जाए तो। ओके गाइस, ये हमने ग्रीन कर दिया ट्री सॉरी। अच्छा, इसको किया आउटर ग्लो, आउटर ग्लो में हम इसे कलर देते हैं बोला। तो गाइस ये देख लो, आपके सामने ट्री बनाया आपने, एक बहुत ही इजी सा एक ट्री बना लिया। आप इसे यूज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड्स में, आप इसे ब्लर कर दो थोड़ा सा अगर आपने अपने बैकग्राउंड में यूज करना है कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करके। ठीक है गाइस, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, ये लो। अच्छा, एक तो ऑब्जेक्ट हमने ये बना लिया, अब नेक्स्ट हम कस्टमर्स में देखते हैं और हमारे पास क्या क्या गाइस। काफ़ी हद तक हमारे पास लीव्स हैं, एनिमल्स हैं गाइस, एनिमल्स हैं, काफ़ी मज़े मज़े के एनिमल्स हैं। लगतीस ओके गाइस, ये देखें ये आपके पास एनिमल बन गया। और गाइस ये हमें हम ये अच्छा सबसे आपको पता है कि जब मैंने पेन वाली पेन टूल वाली बताई थी, सॉरी पढ़ाई थी क्लास, उसमें मैंने आपको सिलेक्शन का बताया था। ठीक है ना, आप इसकी सिलेक्शन भी कर सकते हो। कैसे गाइस, जस्ट आपने इसको पर आके कंट्रोल क्लिक कर देना है और ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, पाथ तो ये बना हुआ है ना आपका, आप यहाँ भी आके कंट्रोल कर सकते हो, इसके ऊपर भी ये भी एक सिलेक्शन पाथ बन जाएगा आपका। ठीक है गाइस, जब ये आपका एक सिलेक्शन पाथ बन जाएगा देन आप इसके अंदर कोई भी कलर खुद भी कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से इतना लिया, इसे ओके करते हैं और यहाँ से ऑरेंज चेंज करते हैं, हमारा ऑरेंज खराब है। अच्छा ये हो गया इतना सा, अभी थोड़ा और करते हैं। तो गाइस आप इसे देख सकते हो, ये आपकी सिलेक्शन वाला बन गया। ठीक है ना, आप इसे यू कहीं भी यूज कर सकते हो, फ्ला 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 जहाँ मर्जी आप यूज करो इजीली। ओके गाइस, और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमारे पास इसी में कर। और नेक्स्ट है ये, और भी काफ़ी हमारे पास एनिमल्स हैं इसके अलावा, ये बोट्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो यार। ये मैं आपको एक एक करके तो दिखाऊंगा सारी चीज़ें, मतलब अगर टाइम वेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा। अब हम इसे बंद करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ मैंने अभी जितना कुछ भी बनाया वो सारे थे शेप्स। ठीक है गाइस, वो सब मैंने शेप्स बनाई थी। आप यहाँ से पाथ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक ये देखें ये पाथ आ जाएगा। पाथ क्या काम करता है गाइस, आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ से एक बोट ली ये वाली, ठीक है, और मैं इसे यहाँ ड्रा करता हूँ तो गाइज यहाँ कोई कलर नहीं आएगा, जस्ट हमारे पास पाथ आएगा। ओके, और आप इसे यूज़ कर सकते हो पाथ को किसी भी तरह। लाइक ये आपके पास टूल्स हैं, डायरेक्ट टूल और पाथ टूल, आप पाथ को भी यूज़ कर सकते हो और टूल को भी, डायरेक्ट टूल यूज़ करना है और छोटे छोटे पाथ आप यूज़ कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो इसका। ये था पाथ। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है हम उसे यूज़ करते हैं, वो है पिक्सल। गाइज ये रहा पिक्सल, अभी यहाँ आपको उम्मीद है काफ़ी हद तक वेक्टर की और पिक्सल की समझ आ जाएगी। गाइज मैंने यहाँ एक ड्रॉ किया, ये एक बोर्ड ड्रॉ की इतने साइज वाली। ओके गाइज ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब गाइज क्या मैं इसका इसे मैं कर, एक मिनट गाइज मैं इसे न्यू लेयर में करता हूँ। ये मैंने एक न्यू लेयर ली, यहाँ मैंने ये बोर्ड पिक्सेल मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड एक सेलेक्ट की एंड अभी मैं इसका साइज ये कर दिया। अब गाइस देखो ये है वेक्टर, मैंने आपको पहले कहा कि वेक्टर अपने पिक्सेल्स खराब नहीं करता, लेकिन गाइस अभी ये देखो मैं इसे जूम करता हूँ ना, इसके काफ़ी हद तक पिक्सेल सही है। लेकिन गाइस अभी क्या होगा, जब मैं इसे ये कर दूंगा ना छोटा सा, एक मैंने छोटा सा किया यहाँ से ओके करके, अभी जब मैं इसे अगेन लार्ज करूंगा तो गाइज आप इसके पिक्सल देख रहे हो, तो इसके पिक्सल काफी हद तक खराब हो गए हैं ये देखिए।
ठीक हो गया। ये होती है पिक्सल्स वाली इमेजेस, ऐसी होती हैं। लेकिन ये क्योंकि ये एक इमेज लाइक वेक्टर इमेज, अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर इमेज लेता हूँ ना और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ शेप, तो गाइस आप इसे क्या कर सकते हो कि आप इसे छोटा करो बड़ा करो ये सेम ही रहेगी, यहाँ करो या काफ़ी लार्ज कर दो ये वैसे की वैसी रहेगी, इसका कोई पिक्सल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका पिक्सल का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए गाइज अगर आपने अगर आप वेब प्रो एक प्रोग्रामर हो लाइक मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ और हमने अक्सर आइकॉन्स बनाने होते हैं, ठीक है ना, तो आइकॉन्स आप इलस्ट्रेटर यूज करके बना सकते हो या वेक्टर शेप से बना सकते हो। ओके गाइज, तो इलस्ट्रेटर पे तो वैसे बेस्ट बनेगा आपका आइकॉन अगर आपने बनाना है, अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है, और अगर आपको नहीं आता तो आप यही यूज करो, पेन टूल का यूज करके बना सकते हो, कुछ भी मतलब कि एक वेक्टर शेप से बना सकते हो आप अपना एक आइकॉन जो कि पिक्सल्स खराब नहीं होंगे आपके और आपको काफी आसान से लगेगा वो। और आई थिंक हमारी क्लास यहीं खत्म होनी चाहिए, काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, और वैसे अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ये नॉलेज अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके गाइस, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये मैं आपके लिए करता हूँ। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।